नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में। कितने फार्म अभी तक भरे जा चुके हैं और कितने नंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए, एचकेएन का स्कोर कितना होना चाहिए कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो सबसे पहले तो अभी भी जो फॉर्म है वो चले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है। फार्मों की बात करें तो फार्म का तो रिकॉर्ड ही टूट गया है, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी भर्ती पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। तो 231,538 फार्म अभी तक जो है सबमिट हो चुके हैं सफाई कर्मचारी के लिए। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में बेरोजगारी का आलम क्या है। 231,000 फार्म थोड़े नहीं हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए हैं ये। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको पता ही है 100 नंबर का स्कोर तैयार किया जाता है, उस स्कोर के बेस पे ही सिलेक्शन होता है, जिसमें से 40 नंबर जो है फैमिली आईडी के हैं, जिसकी 1 लाख से कम है उसको 40 मिलेंगे, 1,80,000 वाले तक 30 मिलेंगे, ठीक है, उससे ऊपर वाले को 20 मिलेंगे। और 5 नंबर जो है आईटीआई के भी रखे गए हैं, 10 नंबर जो है एज तक भी रखे गए हैं, साथ में जो है हायर क्वालिफिकेशन के नंबर रखे गए हैं, या फिर कह सकते हैं जो और आपकी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसके भी नंबर हैं, साथ में आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के भी नंबर हैं। तो उस हिसाब से टोटल स्कोर तैयार किया जाता है और एक डिटेल से वीडियो भी आ जाएगी जल्दी आपके लिए कि 100 नंबर में किस किस के कितने नंबर जुड़ते हैं। तो 100 नंबर में से, ठीक है, आपको जो दिखाया जाता है उसमें लगभग आपको 85 में से स्कोर दिखाया जाता है, ठीक है, आपके जो ब्लॉक के हैं, ठीक है, ब्लॉक के हैं या डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, वो नंबर आपको नहीं दिखाए जाते और उन नंबर 85 में से ही आपको स्कोर दिखाई देता है। तो सफाई कर्मचारी में कितने स्कोर पर सिलेक्शन होगा, मैं यही कहूँगा कि 100 में से कम से कम, 100 में से बोल रहा हूँ, 85 में से नहीं बोल रहा, कम से कम आपका स्कोर 65 प्लस तो होना ज़रूरी ज़रूरी है, ठीक है, 65 प्लस स्कोर होना ज़रूरी है, तभी थोड़ी बहुत उम्मीद बनी रहेगी कि आपका सफाई कर्मचारी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, ठीक है। जिसका अभी 85 में से, ठीक है, 65 स्कोर दिखाई देने लग रहा है उनके फुल चांस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको 10 नंबर लगभग जो है ब्लॉक के मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो सफाई कर्मचारी है इनको लगभग जो है स्कूलों में शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जाएगा, क्योंकि स्कूलों में टीचरों की तो भर्तियाँ हो चुकी हैं, चौकीदारों की और सफाई कर्मचारियों की भर्तियाँ बाकी हैं, ठीक है। स्कूलों के लिए PGT पहले लगा दिए गए हैं, TGT की अभी ज्वाइन करवाएंगे, आजकल में स्कूल अलॉट हो चुके हैं, इनको ज्वाइन करा देंगे। और JBT की भर्तियां भी निकली हुई हैं, मेवात के अंदर भी निकली हैं, हरियाणा में ROH कैडर में पहले ही JBT फुल हैं। तो जो का जिसका भी 85 में से जो है 65 है उसके फुल चांस रहेंगे, अगर 100 में से 65 प्लस है तब भी उम्मीद बनी रहेगी कि आपको सफाई कर्मचारी में जो है नौकरी करने का मौका मिल सकता है। और पोस्टें भी लगभग 5,000 के लगभग इनकी बताई जा रही हैं, हालांकि ऑफिशियल लेटर अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लें, स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, और हर रोज़ अपडेट कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको करना है अपना स्कोर चेक तो haryanakaushal.com साइट पर जाओगे और यहाँ पर जो एचकेएन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके स्कोर चेक कर सकते हो। डेली अपडेट देखनी है तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एचकेएन स्कोर चेक कर, ठीक है, यहाँ पे अपने डिटेल भर के खुद का स्कोर चेक कर सकते हो, या हरियाणा कौशल रोजगार निगम का स्कोर खुद, मतलब आपका एचकेएन की तरफ से स्कोर कितना बनाया गया है वो चेक करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना, ठीक है, और यहाँ से नीचे जाओगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे अपना लॉगिन कर लोगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, आपका स्कोर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, स्कोर अच्छा खासा होगा तभी जो है एचकेएन में भी नौकरी तभी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अगर स्कोर नहीं है तो वैसे ही आपको शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे। तो ये जानकारी रहेगी, वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।